ऑस्ट्रेलिया के जो चांस है वो काफ़ी मुश्किल हो गए हैं सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड अपना एक मैच रह गया इंग्लैंड का श्रीलंका के अगेंस्ट, अगर मोरल भी वैसे डाउन है बिल्कुल काफी, इंग्लैंड अगर जीत जाती है तो वो सीधी सीधी सेमीफाइनल्स में जाएगी। पहली टीम जो है न्यूजीलैंड जा चुकी है ग्रुप वन से, और दूसरी टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जाएगी। वो कल फैसला होगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप टू की, जो पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप है। सबसे पहले नंबर पर है इंडिया की टीम और दूसरे पर है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है पाकिस्तान की टीम। जो फैसला है वो तो फिलहाल इतवार को होगा, इतवार को तीन मैच या तीनों को पता लगेगा। जैसे अगर अफ्रीका हार जाती है तब जाके हमारे को थोड़ा सुकून मिलेगा। अफ्रीका हार जाए या फिर अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो जाए तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। अफ्रीका और पाकिस्तान के रन रेट बराबर ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। अगर अफ्रीका का मैच ना भी हो और पाकिस्तान जीत जाए, थोड़े बहुत ही मार्जिन से जीत जाए बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। लेकिन बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका चांस है नहीं इस टूर्नामेंट के अंदर, या बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर पहला मैच अगर अफ्रीका हार जाता है फिर उसके बाद जाके बांग्लादेश का चांस है। दोनों टीम का 50-50 चांस है, अगर एक दूसरे को हराती है ना तो अफ्रीका की जगह। सारा डिपेंड करता है अफ्रीका पे, अफ्रीका पर डिपेंड करता है। लेकिन अब सब बांग्लादेश और पाकिस्तानी फैंस इंडिया वाले हैं नेदरलैंड के लिए दुआ कर रहे होंगे कि नेदरलैंड जीत जाए किसी तरीके से। नेदरलैंड बस सही है, टीम इतनी खास नहीं है, लेकिन अफ्रीका जो है आराम आसानी से आसानी से हरा सकती है। चलें अभी इजाज़त दीजिएगा, मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, वक्त मिला तो। अभी